गर्मियों के दिनों में हमें कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से बचे रहने की जरूरत होती है। खासकर गर्मियां शुरू होने के समय हमें अपने शरीर के तापमान का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें गर्मियों के शुरुआती दिनों में बड़ी तेजी से उतार चढ़ाव होता है। शरीर का तापमान जब अचानक से बढ़ जाता है तो हम कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से घिर सकते हैं। इन्हीं में से एक स्वास्थ्य समस्या हीट स्ट्रोक है, जो गर्मियों में सबसे ज्यादा लोगों को अपने शिकार बनाती है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक की समस्या से बचे रहने के लिए जरूर पिए ये जूस। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि हीट स्ट्रोक की समस्या क्या है। हीट स्ट्रोक की समस्या सबसे ज्यादा गर्मियों में होती है। ये स्थिति लगातार किसी अधिक तापमान वाले क्षेत्र में रहने के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आमतौर पर गर्मी के दिनों में धूप में ज्यादा देर रहने के कारण हीट स्ट्रोक या फिर लू की चपेट में आने से भी ये समस्या हो सकती है। इसे हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब इससे बचने के लिए कुछ उपाय जानते हैं। वाटरमेलन जूस। तरबूज नेचुरल फॉर्म से ठंडा होता है और ये सबसे ज्यादा गर्मियों में ही खाया जाता है। इसका सेवन करने से हमारी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। ये हीट स्ट्रोक की समस्या से भी बचाने के लिए काफी कारगर माना जाता है। 3 से 4 कटे हुए तरबूज के टुकड़े और 1 कप पानी को मिक्सी में डालकर उसका जूस तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आप कहीं बाहर जाने वाले हों तो इसका सेवन जरूर करें। लेमन जूस। नींबू का सेवन हमें कई बीमारियों से बचाता है और गर्मियों में लेमन जूस के रूप में इसका किया गया सेवन हीट स्ट्रोक की समस्या से भी आपको सुरक्षित रखेगा। 2 नींबू को काट कर क्वेचर के जरिए इसका रस निकाल लें और इसके बाद 1 गिलास पानी में उसके रस को मिलाकर जूस तैयार कर लें। धूप में बाहर निकलने से पहले इसका सेवन अवश्य करें। टोमेटो जूस। टमाटर का सेवन हम प्रतिदिन सलाद के रूप में और दाल के जरिए जरूर करते हैं। 1 गिलास टोमेटो जूस के लिए 1 टमाटर और 1 कप पानी को मिक्सर में डालकर इसे कम से कम 10 मिनट तक चलाएं। इसके बाद 1 गिलास में निकालकर 1 चुटकी नमक डालकर इसका सेवन करें। हीट स्ट्रोक की समस्या से बचाए रखने के लिए टोमेटो जूस बेहतरीन रूप में कार्य करता है।